हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, नंबर सीरीज जो है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है एग्जाम्स के लिए। 5 मार्क्स आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्री प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी। तो यहाँ पर एक सेट मैं लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो मिडिल में फाइंड आउट करने होंगे। मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क होगा वो आपको मिडिल में दूंगा, किसी में आपको लास्ट में दिया होगा, ठीक है। तो इनको करने का तरीका क्या होगा उस पर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और जो बेसिक पैटर्न बनते हैं, मतलब कि क्वेश्चन जो किस किस पैटर्न पर घूम फिर कर आते रहते हैं, उनका एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक फंडा हम जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारे लिए क्या रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नंबर सीरीज फर्स्ट टाइम सॉल्व करना चाह रहे हैं, एग्जाम में अप्रोच करना चाहते हैं, तो अगर आपके एग्जाम में क्लर्क प्रीलिम्स की बात अगर मैं करूं, तो वहां पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो 5 क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन तो हैं वो इतने आसान होंगे कि आप आसानी से बना लोगे। मैं क्लर्क की बात कर रहा हूं, ओके। लेकिन 3 क्वेश्चन को बनाने के लिए कहीं ना कहीं पर आपको एन नंबर ऑफ पैटर्न जो है वो पढ़ने होंगे। वो पैटर्न कैसे हो सकते हैं कि आपने पहले डिफरेंस लिया, या फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा है, या फिर क्यूब का डिफरेंस चल रहा है, या फिर इन दोनों का अल्टरनेट डिफरेंस चल रहा है, स्क्वायर और क्यूब का। तो मैंने ऐसे ही 10 पैटर्न जो है वो आपके लिए डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ एक वीडियो में, तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर केवल हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए मिल सकते हैं यहाँ पर, ओके। बाकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या है कि कुछ सर्टेन पैटर्न है, जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का एक साथ मिल जाएगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक साथ मिल जाएगा, या फिर वहां पर डिवीजन चल रहा होगा, तो ये पैटर्न के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। इन सब का एक लिंक मैं दे रहा हूं वीडियो को, वो आप देख लें, उससे आपको काफी सारा आइडिया मिल जाएगा। अब यहां पर आ जाओ प्रैक्टिस, आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। अब जैसे यहां पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस एक्स की जगह पर आपको अगर क्वेश्चन मार्क भी लिखा मिल जाए, तो मतलब यही है कि मुझे इस एक्स की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये लिखा है 113, 85, 61 और 41, ओके। इसके बाद में ये वाली वैल्यू है, तो अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, डिफरेंस ले लो। जैसे क्या है कि घटता हुआ क्रम है 113, 85, 61, 41, फिर x है, तो कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू लगातार लेस हो रही है, तो मैं इस 113 में से 85 को लेस करता हूं, तो मुझे कितना मिलेगा 28। अब 85 में से 61 को लेस करता हूं तो कितना मिला 24। आगे अगर मैं 61 में से 41 को लेस करता हूं तो मुझे कितना मिला 20। तो आपने देखा 20 से 24 हुआ, 24 से ये 28 हुआ, मतलब 4-4 का गैप चल रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी 28, 24, 20, और ये कितनी आएगी 16 आएगी, ओके। तो 16 आने का मतलब क्या हुआ कि 61 में से जब मैंने 20 को लेस किया तो मुझे कितना मिला 41। अब मैं 41 में से 16 को लेस करूंगा, मतलब 41 - 16 अगर मैं करूंगा तो यहां पर कितना मिल जाएगा 25। तो ये 25 क्या है, ये इस x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये तो हो गया डिफरेंस वाला सिनेरियो। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं यहां पर, इसको भी हम लोग डिफरेंस से ही सॉल्व करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। इसमें लिखा है 2, 8, 18, x, 50, 72। जब वैल्यूज लगातार बढ़ जाएं और आपको लगे कि यहां पर डिफरेंस निकल सकता है, मतलब जैसे थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, 50 से 72 हुआ, फिर यहां पर इससे पहले कोई वैल्यू थी, फिर 18 था, उससे पहले 8 था, फिर 2 था, तो अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, क्योंकि जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो आपकी वैल्यू मिडिल में दी गई है, वो कॉर्नर पे नहीं है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन अपनी बनानी पड़ती है। वो कैसे बनती है, अब जैसे 8 में से 2 को लेस किया कितना बचा 6 बचा, 18 में से मैंने 8 को लेस कर दिया, 18 में से 8 को लेस किया कितना बचा 10। अब यहाँ पर आप इस वैल्यू में से 18 को लेस कर नहीं पाओगे। अब इसी तरह से 50 में से ये, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी और यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये दोनों आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन आप जो है 72 में से 50 को अगर आप लेस करते हो तो ये कितना मिलेगा 22। अब आपको यहां पर एज्यूम करना होगा कि क्या क्या वैल्यूज यहां पर इस x की हो सकती है, ताकि हमें डिफरेंस जो है वो हर जगह कॉमन मिले। तो देखो ये 6 मिला है, ये 10 मिला है, तो 4 का यहां पर गैप आया है, ओके। तो हो सकता है कि यहां पर 14 आ जाए और यहां पर 18 हो जाए, यहां पर 22 हो जाए। तो देखो हमारी वैल्यू ठीक चली है, 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18 और 4, 22। इसका मतलब अगर आपको यहां पर जो है वैल्यू का डिफरेंस 14 लाना है, तो यहां पर इस x की जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब यहां पर कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए
उस वैल्यू और इस 18 का डिफरेंस जो है वो आपका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 14। तो देखो आप क्या करो, 18 में इस 14 को जोड़ दो, नंबर मिल जाएगा 32, मतलब यहां पर x की जगह पर 32 होना चाहिए। तो 32 में से अगर मैं 18 को लेस करूंगा तो मुझे कितना मिल गया, 14। अब देखो 50 में से अगर आपने 32 को लेस कर दिया तो कितना मिल गया, 18। मतलब इस x की जगह पर क्या आना चाहिए था, 32 आपका आना चाहिए था। ओके, तो ये मिडिल टर्म वाली में क्या है, एज्यूम करना होता है, और एक हमें पैटर्न अपने आप से रफ सीट पर बनाना पड़ेगा ताकि हम चेक कर पाए कि हम जो वैल्यू वहां पर रखने वाले हों वो वैल्यू हमारी सटीक बैठ जाए। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड वाले क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं। इसमें लिखा है 11, 12, 14, 18, एक्स और 42 और 74। ओके, अब देखो यहां पर क्या है कि कहीं हद तक आप डिफरेंस लेकर काम चला सकते हो। मैंने क्या किया, 12 में से 11 को लेस कर दिया, मुझे मिला 1। 14 में से 12 को लेस कर दिया, मुझे मिला यहां पर 2। अब आप 18 में से 14 को लेस कर दोगे, कितना मिलेगा आपको, 18 में से 14 लेस होगा तो ये मिलेगा आपको 4। तो आपने देखा 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हो गया। अब ये नहीं पता है कि आगे यहां पर क्या आएगा, इसी वजह से आप ये वाली वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस लेकर आप यहां पर एक वैल्यू निकाल सकते हो। 74 में से 42 को अगर आप लेस करते हो तो ये मिलेगा 32। अब मुझे खुद से एजम्पशन लगाना होगा, जैसे एक था फिर ये दो हुआ, दो से ये डबल होके चार हो गया, अब चार से हो सकता है कि 8 हो जाए, और 8 से हो सकता है 16 हो जाए, और 16 से आपका 32 बन जाएगा। तो मतलब ठीक चल रहा है हमारा पैटर्न, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस 8 कैसे आएगा, देखो 18 और यहां पर कोई वैल्यू है, फिर यहां पर वैल्यू आनी चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस 8 कैसे आपका बनेगा। आप क्या करोगे, इन दोनों में 18 में 8 जोड़ दो, 18 में 8 आपने जोड़ा तो जैसे हमने पीछे किया था बिल्कुल सेम पैटर्न है, 26 हुआ। तो इस x के लिए मैं 26 रख देता हूं। अब देखो 26 और 18 इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो 42 और 26 इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा 16। मतलब पैटर्न ठीक चल रहा है, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 26। तो देखो ये जो तीन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये हमारे सिमेट्रिक है, एक तरीके के बन रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी यहां पर कर ली। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हुए। अब जैसे इसमें लिखा है 129 और 65, तो मैं क्या करता हूँ डिफरेंस लेता हूँ बड़ी वैल्यू का, ये 129 में से 65 का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 9 में से 5 गया 4 और 12 में से 6 गया 6, 64 मिल गया। अब देखो 65 में से 33 का डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 32। तो कहीं ना कहीं पर आपके माइंड में एक वैल्यू और निकालने के बाद लॉजिक अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर है 33, यहाँ पर है 17, तो यहाँ पर कितना आएगा, 16। देखो 16 का डबल 32 हुआ, 32 का डबल ये कितना हो गया, 64। तो इन दोनों पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी, यहां पर आएगा आपका 8, क्योंकि 8 का डबल जब आप करोगे तभी तो 16 होगा। ओके, अब इसका मतलब आप इन दोनों के डिफरेंस जब निकालोगे तो कितना आएगा, यहां पर 4 आएगा, क्योंकि 4 का डबल 8 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब सीन मेरा क्लियर यहां पर हो गया कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहां पर जो है डिफरेंस जो है वो डबल हो रहा है। ओके, तो यहां पर इस एक्स की जगह पर आपका क्या आना चाहिए, देखो ये तो था आपका 17 यहां पर दिया था। ओके, और यहां पर जो है आपको दिया गया है ये आया है आपका 8, ठीक है। तो यहां पर हमारा होना चाहिए था 9। तो देखो 9 और 17 इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं, 17 में से 9 तो आएगा 8, और देखो 9 और 5 का डिफरेंस कितना आया, 4। ओके, और 5 और 3 का आया 2, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, ये आ गई 9। तो ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में डिफरेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो फिफ्थ वाला प्रॉब्लम है, ये आ जाएगा अब थोड़ा सा अलग पैटर्न पर, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करो अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 बन जाता है तब। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूं क्या यहां पर हो सकता है। देखो 2 है, 2 से 5 बनाना है, 5 से 16 है, 16 से 65 है, डिफरेंस लोगे काम नहीं चलेगा, क्योंकि 16 65 का डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा, और 5 और 16 का 11 आएगा, 2 और 5 का 3 आएगा, तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब मैं ये देखता हूं 2 से 5 कैसे बनेगा, 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं कितना हुआ, 4, और इसमें 1 ऐड कर दिया, मिल गया मुझे 5। अब 5 से 16 देखो कैसे बनेगा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 हुआ, 1 मैंने यहां पर जोड़ दिया कितना हो गया, 16, और 16 से अगर मुझे 65 बनाना है तो 16 इंटू 4 किया, फिर मैंने यहां पर 1 ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, 65। आगे आप देखो 65 से ये x आपका कैसे बनेगा, आपने क्या किया 65 में 2, 3, 4, अब इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करना है। अब देखो 60 इंटू 5 होता है 300, माइंड में कैलकुलेट करो 5 इंटू 5 कितना हुआ, ये हो गया 25, और इसमें 1 जोड़ दो क्योंकि ये वाला। ओके, तो ये कितना आ गया, 326। तो इस x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 326, ठीक है। ऑप्शन जो राइट दिया होगा उसमें से हम लोग करेक्ट वाले को चूज कर लेंगे। ओके,
दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 की। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आपको ध्यान से देना होगा। मैं यही कहूँगा कि पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें। अगर आप अपने एफर्ट्स लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन ऑब्वियसली बहुत अच्छी चल रही है। ओके, अब इसमें लिखा है 2, इसके बाद में लिखा है 20, फिर लिखा है 110 और फिर इस एक्स को आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट में लिखा है 992। तो आपको ये देखना है 2 से 20 आपका कैसे बन जाएगा, फिर 20 से 110 बनाना है, 110 से x की जगह पर कोई वैल्यू आएगी और उस वैल्यू से 992। तो कहीं ना कहीं पर अगर आप डिफरेंस यहाँ पर लेते हैं तो आपको कोई भी आइडिया नहीं लग पाएगा। ओके, देखो मैं आपको बता दूं, 20 में से 2 गया आपको मिलेगा 18, फिर 110, 110 में से 20 को लेस कर दोगे मिलेगा 90, फिर आप यहाँ पर सोचोगे कि 18 से ये 90 का क्या पैरामीटर है, 18 × 5 कर लोगे लेकिन आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें कहाँ कहाँ तक सोचना होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्क्वायर अगर आप कर चुके हैं, क्यूब कर चुके हैं, तो इनके डिफरेंसेस के साथ में भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि स्क्वायर का डिफरेंस, क्यूब का डिफरेंस जो है, ये वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि ये जो 2 बना हुआ है ये आपका कैसे बनकर आया। हो सकता है कि मैंने क्या किया कि 2 स्क्वायर किया तो आया 4, इसमें से मैंने 2 लेस कर दिया तो मुझे मिल गया 2। हो सकता है कि ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पर भी चल रहा हो। ओके, अब अगर आप आगे देखते हो कि ये आपको 20 मिला है तो ये 20 के लिए आप क्या करोगे। 20 के लिए आपके माइंड में क्वेश्चन तुरंत आएगा कि 5 स्क्वायर किया माइनस मैंने कितना कर दिया, 5 कर दिया, तो 25 में से 5 लेस करोगे मुझे मिल जाएगा 20 यहां पर। ओके, अब आप देखो आगे आप क्या कर सकते हो। आगे आपको कुछ ऐसा नंबर लेना होगा जिसमें से ये वाली वैल्यू हटानी होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 11 का स्क्वायर कर दिया, 11 स्क्वायर 121 हुआ, 121 में से मैंने 11 को लेस कर दिया, मुझे मिल गया 110 यहाँ पर। ओके, तो मतलब जो लिखा है हम उसी पैटर्न पर फॉलो कर रहे हैं। अब 2 से स्टार्ट किया, फिर हम 5 पर पहुंचे, पहले हमने 2 से स्टार्ट किया था, फिर हमारा 5 आया, फिर हमारा कितना आया, 11 आया। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर इस x की जगह पर क्या वैल्यू आ सकती है। अब देखो यहाँ पर भी एक पैटर्न चल रहा है कि 2 से 5 11 हमारा कैसे चल रहा है। देखो 2 और 5 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, 5 से ये आपका 11 था, 5 से 6 हुआ 11 हो गया। ठीक है, 3 और फिर 6, फिर यहाँ पर डिफरेंस 3 का ही आएगा ना, 9 आएगा, तो 11 और 9 20। अब हमें 20 से नंबर स्टार्ट करना होगा, मतलब कि 20 का स्क्वायर माइनस 20, तो ये हुआ 400, 400 में से 20 गया कितना आया, 380। तो इस x की जगह पर 380 आएगा। अब देखो 992 क्या यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो आपने 20 ले लिया तो इसका मतलब 3, 6, 9, आगे आपका 12 आना चाहिए था, तो 20 और 12 ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 32। तो आप देखो 32 का स्क्वायर करो और इसमें से 32 को लेस कर दो। ओके, तो 32 का स्क्वायर करोगे, 32 को लेस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 992। तो यहाँ पर भी ये चीज़ जो है बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, क्योंकि हमने जो पैटर्न बनाया वही चलाया। तो ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का है, ऐसे क्वेश्चन जो है मेंस में भी कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन तरीका यही है कि जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, मल्टीप्लाई करना, वैल्यू को सोचना। अब करने को तो आप 2 को लिखने का तरीका और भी हो सकता है, आप कह सकते हो सर मैं 1 स्क्वायर प्लस 1 कर दूं तब भी मैं 2 को लिख दूंगा, लेकिन इस 20 को फिर लिखने जब आप जाओगे तब आप क्या करोगे, फिर आप कहोगे सर 4 स्क्वायर 16 हुआ प्लस 4 कर दिया तब भी मुझे 20 मिल गया। तो देखो मैंने 1 से स्टार्ट किया फिर मैं 4 पर आया, अब इस 110 को लिखने के लिए आपको सोचना थोड़ा सा पड़ेगा। ओके, तो यहीं पर कहीं ना कहीं पर अगर आप अप्रोच 2 स्टेप आपके बनते हैं तो तीसरा स्टेप भी अगर आपका बन रहा है तभी वो लॉजिक यहाँ पर काम कर पाएगा। ओके, तो मैंने जैसा आपको इस क्वेश्चन में बताया 2 प्रोस एंड कॉन्स, तो जो फर्स्ट वाला मेथड था वही यहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे 2 को लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, 2 को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, जैसे मैंने लिखा 2 स्क्वायर माइनस 2, तो 4 में से 2 गया 4 हो गया। अब इस 20 का था तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ पर मैंने कर दिया कि 5 स्क्वायर माइनस 5, मुझे मिल गया 20। ओके, तो इस तरह से हम आगे यहाँ पर मूव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बात करते हैं नंबर 7 की। अब देखो इस 7 वाले क्वेश्चन में भी हम पुरानी पैटर्न की हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस बेस्ड है लेकिन नया है। अब यहाँ पर 55 से स्टार्ट है, फिर 66 है, फिर 187 है, फिर 200, 369, 386। तो कहीं ना कहीं पर आप देख रहे हो कि कुछ जगह पर डिफरेंस कम आएगा, कुछ जगह पर डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो हम देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अब 66 में से 55 को लेस कर दिया, मिलेगा कितना, 11। अब देखो 187 में से 66 को लेस करोगे तो ये कितना मिलेगा, 121। तो आपने देखा कि इस जो वैल्यू मिली है उसका ही ये क्या है, स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो आप क्या करो, फिर से 200 में से 187 को लेस कर दो, कितना मिला, 13। अब आप 369 में से 200 को लेस करोगे, 169 आया। मतलब क्या है, ये 13 का स्क्वायर निकल कर आया।
ओके तो आगे अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये है 11, ठीक है, फिर कितना हुआ 13 हुआ, ओके अब आप एक बार इसमें से डिफरेंस ले लो, बाकी नेक्स्ट नंबर तो आप अपने आप निकाल लोगे। 386 में से 369 को अगर आप लेस करते हो तो ये हुआ 16, 16 में से 9 गया बचा 7, यहाँ पर बना 37 में से 36 गया 1, तो 17 हुआ। अब ये क्या 17 का स्क्वायर आएगा 289 यहाँ पर डिफरेंस में, तो आप क्या करो कि 386 में 289 को जोड़ दो, 386 प्लस 289। अब देखो 9 और 9 और 6 15 होता है 5, एक कैरी, 8 और 16 एक 17, एक फिर से कैरी, 3 2 5 और एक 6, 675 जो है ये इस x की जगह पर आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने देखा डिफरेंस जो निकल कर आया उसका स्क्वायर चल रहा है, वो भी ऑलरेडी डिफरेंस यहां पर बन रहा है, ओके। एक हम और अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की, इसमें लिखा है 20, 141, 310, 599, 960, 1489 और ये x, तो काफी आगे तक नंबर जा रहा है। एक बार देखते हैं कि इस 20 से 141 कैसे बन रहा है, तो डिफरेंस ले लो आप, 141 में से 20 को लेस किया आया 121, आगे मैंने क्या किया 310 में से 141 का डिफरेंस लिया, तो ये मुझे कितना मिलेगा, ये मुझे मिलता है 169 का डिफरेंस, ओके। आगे देखते हैं 599 में से 310 को अगर मैं लेस करता हूं मुझे कितना मिला 289। अब यहां पर क्लू समझ जाओ, ये है 11 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर और ये है 17 का स्क्वायर, तो 11 2 13 13 और 4 17, ओके। अब आगे हो सकता है कि 17 और 6 23 हो जाए, लेकिन एक बार क्या है डिफरेंस यहाँ पर निकाल लो, 960 में से 599 को जब अगर आप लेस करोगे तो कितना मिलेगा 361 मिलेगा, ये स्क्वायर किसका होता है, ये स्क्वायर होता है 19 का। तो आपने देखा 11 2 13 4 17 फिर 17 और 2 19, तो हो सकता है कि 2 का गैप हो, फिर 4 का, फिर 2 का, अब फिर 4 का आ जाए, तो एक बार देख लेते हैं 1489 में से 960 को हम लेस करते हैं तो ये कितना मिलेगा 529, तो ये 529 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 23 का स्क्वायर। तो देखा आपने 11 2 13 4 17 17 2 19 और 4 23, ठीक है। तो आगे क्या होगा, फिर से 2 यहां पर ऐड होकर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ने पर इस x की वैल्यू निकल कर आएगी, तो x कितना आएगा 1489 प्लस, ओके ये आपका कितना है 625, 625 इन दोनों को जोड़ लो तो ये आएगा 2114, ओके तो एक पैटर्न आपका ये भी यहां पर बन जाता है। हम बात करते हैं नंबर 9 क्वेश्चन की, अब क्वेश्चन 9 में लिखा है 1, 3, 11, 47 x और 1, 4, 3, 9। अब यहां पर आप देख लो कि 1 से 3 आपका कैसे बना, 3 से 11 कैसे बना, तो ये पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं मल्टीप्लिकेशन समथिंग एडिशन का। 1 से 3 बनाना है तो 1 इंटू 2 किया 2 हुआ और 2 में मैंने 1 जोड़ दिया कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह से 3 में मैंने क्या किया, मुझे 11 बनाना है, 3 इंटू 3 किया 9 हुआ, 9 में मैंने 2 जोड़ दिया आ गया आपका 11। अब मैं क्या करूंगा 11 में 2 3 4 करूंगा प्लस 1, 2, 3 जोड़ूंगा तो 11 इंटू 4 44 और 3 हो गया 47। जो पैटर्न चल रहा है वही यहां पर चलता रहेगा। अब इसी तरह से 2, 3, 4 अब ये हो गया आपका 5 तो 47 इंटू 5 प्लस 4। अब देखो 5 50 इंटू 5 ये कितना हो गया 250, यहां पर कम कितना था 3 कम था तो इसमें से 15 और कम कर दो तो 250 में से 15 कम करोगे 235 हुआ, 35 और 4 कितना होता है 39 तो 239 आपका इस x की वैल्यू निकलकर आ जाएगी, ओके तो ये नंबर 9 था। एक और क्वेश्चन जो है इसकी हम यहां पर बात करते हैं नंबर 10 की। अब देखो इसमें लिखा है 2, 6, 28 और x और 1400। दोस्तों मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें और अगली वीडियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम इस क्वेश्चन नंबर 10 को कंसीडर करेंगे। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे, ओके और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें और लोग लाइक भी करें अगर आपको मिल जाता है आपके कॉमन आंसर, ओके तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यहां पर कुछ प्लेलिस्ट दिया आप इनको देख लें, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आप हमें फेसबुक और हमारे वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।